Hey guys, welcome back to our channel Sona Sim. एक बार हमारा पूरा लुक दिखाओ, क्योंकि पूरा वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, फोन नीचे करके ऊपर ले जाओ। ये हमारा फुल लुक, बाकी सब भाई लोग का अब हम आपको लुक दिखाएंगे। और कितना भी हम सज ले, लेकिन ये वाला काम मेरा खत्म नहीं होता। लास्ट में भाई लोग कहता है बस ब्लू ड्रायर मार दो, तो अभी वही करने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। Oh my God. हम जैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि पता अब धीरे धीरे सब आएगा। अभी छुटकू का भी करना है, पहले इसका कर देते हैं, उसके बाद हाय छुटकू माय नेम छुटकू रुक के रख इतने रुपए हां एकदम रुकी है। ए रुको, इसका भी फुल लुक आप देख सकते हैं। नीचे से इसको भी दिखा दो पूरा अच्छे से। मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आपने देख लिया भाई लोग का काम हो गया है, लेकिन जो मेन भाई है भैया, उसका एग्जाम है आज, तो वो अभी छपड़ा में ही है। अभी देखिए 7-8 बजे तक वो आएगा, तो फिर रेडी होके वो पीछे से जाएगा। बाकी ये लोग रेडी हो गया है। चलिए और भी जितने लोग बाकी है सब किसी का लुक हम आपको दिखाते हैं बाहर निकल के। साइड में छोटे पा भी आज कोट ही पहने हैं, इनका फुल लुक ये है। छुटकू है, छोटे पा के कोट का ही खास बात है कि उनके शादी का ही कोट है। इस साइड में भाई सब है, उधर बड़ी छोटी मम्मी, इधर रामचंद्र हाय बोलो हाय, और इस साइड में हम है। इस साइड में बजरंगी भाई जान है, इनको थोड़ा लाइट में ला के दिखाएंगे। आइए इधर आइए देवा, आप भी आई है बजरंगी। इन यही हमारा सब वीडियो कर करके दे रहे हैं बेचारे, सब क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और इस साइड में देव एक मिनट आना। ये है देव का लुक, आप लोग कमेंट करके बताएगा सबसे बढ़िया लुक किसका था। बाकी हम अपना लुक सबसे फर्स्ट में दिखाए हैं, और इस साइड छुटकू का कलर हमको सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे सुंदर। चलिए और लोग को भी दिखाते हैं। लाल बाबू जो हमारे शादी में कोट पहने थे, इनका छोटा हो गया क्योंकि यही बड़े हो गए। इनका ये नया वाला है, देख सकते हैं। ये लोग जा रहे हैं कहीं पता नहीं, बारात के पहले ही घूमना फिरना स्टार्ट है। बाकी द्वार पर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, उधर दूल्हे का गाड़ी है, उस साइड में गाजा बजा स्टार्ट हो रहा है निकलने के लिए, और इस साइड में बारात का गाड़ी है, और इस साइड में बउआ का जूता मोजा अभी रेडी हो रहा है इस साइड। और यहाँ पे है बिट्टू भैया का लुक, आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताएगा इनका लुक कैसा लगा आपको, हमको सबसे बढ़िया इन्हीं का ब्लेजर लग रहा है। इस साइड में ऋतिक भैया बोलिए कुछ, हमसे तो आप लोग परिचित हैं, हमको क्या बोलना। हाँ, इनसे सब लोग परिचित हैं। बड़े पा भी रेडी नहीं हुए, लेकिन रेडी हो रहे हैं, प्रक्रिया में सब लोग है, बस जितना टाइम लग जाए तैयार होने में। इस साइड में श्रेया रेडी हो गई है, आप कमेंट करके बताएगा सिंड्रेला वाला फ्रॉक इसका कैसा लग रहा है। और इस साइड में है छोटी मम्मी, छोटी मम्मी का शायद थोड़ा मेकअप बाकी है, इसलिए छोटी मम्मी अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं, बाकी बाद में हम दिखाएंगे, क्योंकि बारात जाने के बाद में हम लोग पूरा वेले हैं, तो हम लोग यही करने वाले हैं। छोटी मम्मी से जान लेते हैं, हम लोग सिर्फ यही करेंगे। श्रेया तो चली जाएगी बारात, लेकिन उसके बाद हम लोग पूरा मस्ती करने वाले हैं घर पे। अरे छोटे पापा अभी तैयार नहीं है, तो अभी नहीं आ रहे हैं सामने। और अब आप देखेंगे वॉइस ओवर वाला वीडियो। ये था गाड़ी के सामने का सीन जो हम लोग मतलब कैप्चर कर रहे थे, बिकॉज गाड़ी तो कुछ देर में निकलने वाला था, और इधर में बउआ था, फिर इस साइड में भैया का मतलब कपड़ा पहनाने वाला रस्म स्टार्ट था। हम पहुंचे थोड़ा सा लेट फिर से, तो देखे कि कपड़ा लत्ता पहनाना स्टार्ट हो गया। नहावन वाला सीन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बाकी घर में बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, तो बैकग्राउंड में आपको सुनाई पड़ रहा होगा। बाकी हम वॉइस ओवर करने का ट्राई कर रहे हैं, और ये सब सीन हम सोचे थे नेचुरल करेंगे, बट क्या है कि गाना बज रहा था, तो उस वजह से हमको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। फिर पाँव ये सब भर आ गया, इसके बाद चुमावन होता, चुमावन ये सब का विधि हुआ, उसके बाद में फिर बारात के लिए निकलना स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से फिर बड़े पापा इधर गुस्से में पूरा लाल थे। बड़े पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, बोले थे 3 बजे निकलने, लेकिन लेट हो गया था। इधर में दीदी का बाबू है भी, इसका भी तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत परेशान हो रही थी दीदी। इधर दीदी की बेटी है, और सब बाबू सब उस समय
बाकी इसके बाद वाला रॉन्ग देखिए बिकॉज अच्छा लगेगा वो गीत मंगल के साथ में ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो यहाँ से छोड़ देते हैं आप, ऐसे ओरिजिनल वाला ही देखिए। अब भैया निकल रहा था रूम से तब का ये सब सीन है, मतलब पूजा पाठ करके गोर लग के उसके बाद में भैया निकल रहा था। तो अब आप बिना वॉइस ओवर का देखिए जो नेचुरल साउंड है उसके साथ में। स्टार्ट तो नहीं हो गया और इधर मम्मी लोग चावल एक्सचेंज कर रहा था, लोग थोड़ा बहुत सब किसी के मुट्ठे में दे रहा था लोग छींटने के लिए, मतलब ऐसे सिर पे छींटते हैं ना रास्ते में, तो उसके लिए बाकी हम सारे लोग हाथ बढ़ा दिए थे हमको दो। और फिर उस घर से वो लोग गोर ला के लौट रहा था लोग, जो कि आप देख रहे हैं पुराने वाले घर के देवता में गोर ला के भैया आया। उसके बाद में फिर परिछावन के लिए स्टार्ट हुआ, सब कुछ स्टार्ट हुआ। बाकी आप देखिए, लेकिन आगे जहाँ जहाँ गाना होगा वहाँ वॉइस ओवर मिलेगा, बाकी आपको रॉ वीडियो मिलेगा। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। सुलेगा देखो और जैसा कि आपने देखा भैया बहुत बोला बारात चलने का, बट हम लोग का मन नहीं था तो हम लोग नहीं गए। और बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया कि मतलब जो मिठाई ले जाने वाला था बारात में वो मिठाई पैक ही नहीं हुआ था। सब लोग बारात में लग गए परिछावन ये सब में, और इसको जो कपड़े से फोल्ड किया जाता है या पैक किया जाता है वो हुआ ही नहीं था। तो बिक्की भैया को विदा करके बारात के लिए इधर में सारे पापा लोग निकल गए, मतलब ये मिठाई पैक कर रहे थे लोग जल्दी ताकि लेट ना हो। फिर भी अगर 3 बजे का समय दिया गया
था और समय हो गया था ये लोग को निकलने में, 7 बज गया था। और इस साइड में सारी मम्मी आपको आज के क्लिप में दिखेंगी, 7ों मम्मी आपको दिखेंगी। ये कुछ मम्मी है, बाकी लास्ट वाला क्लिप आप देखिएगा तो उसमें आपको 7ों मम्मी मिल जाएंगी। और वैसे भी आगे हम इंट्रो भी देने वाले हैं कि कौन सी मम्मी है, तो वो आप आगे देखिएगा। बाकी बहुत सारा फोटो सेशन हुआ, बहुत सारा मतलब पूरी फैमिली इकट्ठा हुआ था लोग, तो फोटो सेशन बहुत लंबा चला था। बाकी आप रॉ वीडियो देखिए क्या क्या बात हो रहा था वहाँ पे। सुशी दी की नमस्ते, सुशी दी है, देखो हो गया और गाड़ी ने। ये है हमारी बड़ी वाली फुआ और छोटी वाली फुआ पीछे में कुछ डिस्कस कर रही है, बहुत सीरियस डिस्कशन में हमेशा रहती है, उधर डिस्कस कर रही है, मुस्की छोड़ रही है। इधर है छोटी मम्मी, लालू को जो पहचानते हैं उनकी मम्मी, श्रेया को जो पहचानते हैं उनकी मम्मी, खुशी को जो पहचानते हैं उनकी मम्मी, विशाल भैया और चुलबुली को जो पहचानते हैं उनकी मम्मी, शायद इनकी बेटी को कोई नहीं पहचानता होगा, कोई बात नहीं है। हाँ, और इस साइड में दीदी और उस साइड में दीदी और उस साइड में छोटकी दीदिया, उस साइड में बड़की दीदिया, माने दोनों छोटी है। हम के बनी, हमारे कोई बनी। ई दीदिया बा ई बड़ेपा के बेटी बा सुलेखा दी, जोन की हमारे ससुरार के भी रिलेशन में आवला, लेकिन हम उन्हें के रिलेशन मनबे नहीं करीला, ये नहीं के खाली मानीला, एहने बनी हम हेकरा जोड़े। अरे इस साइड में है भाभी, इकलौती भाभी यही रही है अभी तक। हाँ मिलवा रहे हैं, ई मामी अथी भाभी है, इकलौती भाभी सबसे पहली भाभी वही रही है। इधर में है मामी जी, बड़ी नहीं सासू माँ हम नहीं कहेंगे, पहले का रिलेशन हमारा मामी का है, हम मामी ही कहेंगे। इधर में पहला भतीजा भतीजी यही सब रहा है हम लोग का। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्रेक में। और यही वो फाइनल क्लिप है जिसमें हम कह रहे थे कि आपको 7 मम्मी देखेंगे, दिख आपको 6 नहीं होंगी, बाकी आप लास्ट वाला एक फिर से देखिए। बहुत बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किए हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम भाई का शादी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खानदान में अभी किसी भाई का शादी ही नहीं हुआ, तो बहुत मजा आया। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने, बारात हम लोग नहीं गए बिकॉज मन भी नहीं था, और हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, सीधी बात चलता ही नहीं है हमारे यहाँ, तो वो सब चीज़ था। बाकी अब चेंज करेंगे और घर पे जो कुछ डांस वगैरह फंक्शन होता है लेडी लोग का, वो कोशिश करेंगे हम दिखाने का, बट कंफर्म नहीं कह सकते कि दिखाएंगे। बाकी अब चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत हैवी लेंगे बहुत ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा देर हम नहीं टिक सकते। बाकी एक आध रील शायद हम दिखा पाएंगे इसमें, बाकी आप लोग बहुत भर भर के कमेंट करेगा कि आपको कैसा लगा लुक या फिर शादी वगैरह सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेक में।